हाय स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु। बच्चों, थर्ड वीडियो मुगल एम्पायर का स्टार्ट करने वाले हैं। भाज सा बी, दैट वाज द क्रोनम, बी बाबर, एच हुमायूं, ए अकबर, जे जहांगीर, ये पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करने वाले हैं शाहजहां। शाहजहां सा, दैट मीन शाहजहां एंड औरंगजेब, और लास्ट में फिर से बी आ रहा था, बी बहादुर शाह सेकेंड। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों जल्दी से। शाहजहां, शाहजहां का पुराना नाम खुर्रम था। शाहजहां का पुराना नाम खुर्रम था। इनके फादर जहांगीर इनसे खुश होकर के इन्हें टाइटल शाहजहां देते हैं। इनका पुराना नाम खुर्रम था। इनकी वाइफ का नाम, दैट मीन्स शाहजहां की शादी हुई अर्जुमन बानू बेगम से। शाहजहां की शादी हुई अर्जुमन बानू बेगम से। अर्जुमन बानू बेगम से शाहजहां की शादी हुई। शादी के बाद शाहजहां ने टाइटल दिया अर्जुमन बानू बेगम को मुमताज महल। मुमताज महल, आपको दो बातें पता चली, एग्जाम रेलेवेंट। आपको बताया था बच्चों नूरजहां का पुराना नाम पूछा गया है, मेहरुन्निसा पुराना नाम था नूरजहां का, तो पुराना नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। शाहजहां का पुराना नाम खुर्रम और मुमताज का पुराना नाम अर्जुमन बानू बेगम। मरने के बाद इन दोनों को ताजमहल में दफना दिया जाता है। ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल बनवाया आगरा वाला शाहजहां ने। ये तो बहुत कॉमन बात है, ये तो हम सब जानते हैं बच्चों। शाहजहां का पीरियड मुगल एम्पायर में आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर शाहजहां के पीरियड को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ बनवाया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों, ताजमहल एट आगरा के अलावा मोती मस्जिद एट आगरा, मोती मस्जिद एट आगरा वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय, मोती मस्जिद एट आगरा वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय शाहजहां। तो बच्चों शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा वाली बनवाई थी। आगरा दो मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, द लार्जेस्ट मॉस्क, याद ये रखिए। शाहजहां ने बनवाई थी दिल्ली वाली जामा मस्जिद, दिल्ली वाली जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। एंड दिस जामा मस्जिद हैज द कैपेसिटी टू अकोमोडेट 25,000 पीपल एट अ टाइम। 25,000 लोग एक साथ बैठ करके जामा मस्जिद में पूजा कर सकते हैं। 25,000 लोग हो सकते हैं जामा मस्जिद में एट अ टाइम। तो याद रखिए बच्चों, जामा मस्जिद जो कि सबसे बड़ी मस्जिद है दिल्ली वाली, किसने बनवाई थी? ये शाहजहां ने बनवाई थी। अब इसके अलावा हम जानते हैं क्या, लाल किला, रेड फोर्ट किसने बनवाया था? दिल्ली वाला लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। इसके अलावा बच्चों लाहौर का किला, लाहौर का किला ये भी किसने बनवाया था? ये भी शाहजहां ने बनवाया था। जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्या बनवाया शाहजहां ने? तो शाहजहां का पुराना नाम खुर्रम, वाइफ का नाम अर्जुमन बानू बेगम, शादी के बाद टाइटल दिया मुमताज महल। ताजमहल एट आगरा, मोती मस्जिद एट आगरा, दिल्ली वाली जामा मस्जिद, दिल्ली वाला लाल किला। इसके अलावा बच्चों लाहौर का किला बनवाने वाले कौन थे? शाहजहां। दुख की बात, शाहजहां 1657 में बीमार पड़ जाते हैं, उनके बेटे लड़ना शुरू कर देते हैं, तो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होता है। वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होता है बच्चों, लड़ाई शुरू हो जाती है गद्दी के लिए, एम्परर बनने के लिए। शाहजहां के बड़े बेटे थे दारा शिकोह, थर्ड बेटे थे, थर्ड सन, सिक्स्थ चाइल्ड, टोटल छह बच्चे थे, थर्ड सन सिक्स्थ चाइल्ड औरंगजेब। बच्चों औरंगजेब तीसरे बेटे थे, दारा शिकोह पहले थे। लास्ट लड़ाई होती है सामूगढ़ की लड़ाई, लास्ट लड़ाई होती है बच्चों बैटल ऑफ सामूगढ़।
तो बैटल ऑफ सामूगढ़ डिसाइड करती है कौन एम्परर बनेगा, तो कौन लड़ रहा होता है, दारा शिको एक तरफ, औरंगजेब और मुराद दूसरी तरफ, दारा शिको औरंगजेब और मुराद, मुराद भाई का नाम है बच्चों, दारा शिको औरंगजेब और मुराद लड़ते हैं इन द बैटल ऑफ सामूगढ़। अल्टीमेटली औरंगजेब जीत जाता है, तभी तो अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर देता है। सामूगढ़ की लड़ाई लड़ी गई, औरंगजेब, मुराद भाई, एक और भाई सबसे बड़ा दारा शिको, जिन्हें कंसिडर किया जाता है शाहजहां के फेवरेट सन थे दारा शिको। दारा शिको शाहजहां के फेवरेट सन थे, कोर्ट में मीटिंग्स में जाते थे, अटेंड करते थे, तो और भाइयों को ये सब पसंद नहीं आता था, तो सारे भाई अगेंस्ट हो जाते हैं और दारा शिको से लड़ाई लड़ते हैं। बच्चों लास्ट बोला आपको सामूगढ़ की लड़ाई थी, दारा शिको औरंगजेब और मुराद लड़े और औरंगजेब जीत गया, अपने आप को 1658 में एम्परर सम्राट घोषित कर देता है। और ये सब शाहजहां के जिंदा होते हुए, जब जिंदा थे तब ये लड़ाई हुई। स्टार्ट करते हैं बच्चों औरंगजेब। तो औरंगजेब आलमगीर की उपाधि लेता है, और औरंगजेब टेक्स द टाइटल ऑफ आलमगीर, आलमगीर की उपाधि लेता है औरंगजेब। आलमगीर से रिलेटेड आप जो भी बात सुनेंगे बच्चों, औरंगजेब की ही बात हो रही होगी, तो औरंगजेब ने आलमगीर का टाइटल लिया। अदर देन दैट, इंपॉर्टेंट बात औरंगजेब के बारे में बच्चों, रबिया बीबी रबिया दुरानी का मकबरा ये नाम है, ऐसा बोला जाता है, रबिया बीबी का मकबरा, रबिया दुरानी का मकबरा बनवाने वाले थे औरंगजेब, जिसे सिर्फ बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। तो बीबी का मकबरा, रबिया बीबी का मकबरा, रबिया दुरानी का मकबरा बच्चों बनवाने वाले थे औरंगजेब। औरंगजेब की फर्स्ट वाइफ थी ये, और इन्होंने अपनी वाइफ की मेमोरी में बनवाया था बीबी का मकबरा। तो औरंगजेब ने मकबरा बनवाया बीबी का मकबरा अपनी वाइफ के लिए। औरंगजेब ने बहुत एक्सपैंड किया, बहुत एक्सपैंड किया, अकबर ने तो किया ही था, हमें याद है बच्चों कि औरंगजेब और अकबर के टाइम हम मेन तो एक्सपेंशन हैं कि अपनी एम्पायर को खूब एक्सपैंड किया। तो पहला रिवोल्ट बच्चों, औरंगजेब का एक आदमी था मीर जुमला, औरंगजेब का एक आदमी था मीर जुमला। मीर जुमला को भेजता है औरंगजेब और अहोम के लोगों पर अटैक करवा के अहोम के लोगों को अपने कब्जे में करवा लेता है। अहोम जीता औरंगजेब ने, एक लड़ाई अहोम जीता, दूसरी लड़ाई इंपॉर्टेंट लड़ाई, एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक, नाइन्थ सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी, नाइन्थ सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी रिवोल्ट करते हैं बच्चों, इस्लाम मानने से, इस्लाम को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं बच्चों। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान जो चाहता था जो भी रहे वो इस्लाम मान कर रहे, तो क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम को मानने से मना कर देते हैं, तो नाइन्थ सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी को पब्लिकली एग्जीक्यूट करा देता है औरंगजेब, पब्लिकली एग्जीक्यूट करा देता है औरंगजेब। आपको दो क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे इससे, पहला नाइन्थ सिख गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर जी, नाइन्थ सिख गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर जी, एग्जीक्यूट कराने वाला कौन, औरंगजेब, क्योंकि वो इस्लाम को एक्सेप्ट करने से मना कर देते। एक बड़ा रिवोल्ट औरंगजेब के टाइम जो सबको पता होता है, शिवाजी मराठा रूलर शिवाजी और उनका बेटा शंभाजी, तो शिवाजी और शंभाजी भी रिवोल्ट करते हैं, जिस रिवोल्ट को क्रश करा देता है औरंगजेब। इसके अलावा इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज ऑफ औरंगजेब, बीजापुर और गोलकुंडा को भी औरंगजेब अपने मुगल एम्पायर में मिला लेता है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, औरंगजेब सामूगढ़ की लड़ाई में जीता, आलमगीर का टाइटल लिया, अहोमों को जीता मीर जुमला को भेजकर,
बीजापुर और गोलकुंडा जीता। इसके अलावा बच्चों 9th गुरु गुरु तेग बहादुर जी को एग्जीक्यूट करा दिया, क्योंकि वो इस्लाम मानने से मना कर देते हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, अपना रिलीजन चेंज नहीं करना चाहते। इसके अलावा बच्चों शिवाजी और संभाजी, शिवाजी और संभाजी, शिवाजी मराठा रूलर्स की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, तो शिवाजी और संभाजी भी ये हिंदू रूलर्स हैं, रिवोल्ट करते हैं औरंगजेब के समय और औरंगजेब इनके रिवोल्ट को भी क्रश कर देता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात कर रहे हैं लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड की। बहादुर शाह सेकंड का टाइम आपको बुक्स में दिखाई देगा 1837 से 62 तक। बच्चों मैं यहां पर पीरियड लिख रही हूं कि कब से कब तक किस रूलर ने अपना रेन किया है, मतलब कब तक उन्होंने राज किया है, 1837 से 57 तक। 1862 फिर कहां से आ गया, तो एक बार ही बात करते हैं 1862 क्यों लिखा होता है। बहादुर शाह सेकंड वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। जफर नाम से कविताएं लिखते थे, जफर वॉज हिज पेन नेम, ही यूज्ड टू राइट पोएट्री बाय द नेम ऑफ जफर। जफर नाम से कविताएं लिखते थे, इसीलिए आपको काफी बुक्स इनका नाम बताएंगी बहादुर शाह जफर। जफर नाम से बहादुर शाह कविताएं लिखते थे, तो बहादुर शाह जफर वॉज हिज पेन नेम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इन्हीं के टाइम 1857 में फर्स्ट इंडियन म्यूटनी, फर्स्ट सिपॉय म्यूटनी हुई थी। पहला विद्रोह, पहला भारतीय विद्रोह, पहला सिपाही विद्रोह हुआ था बच्चों बहादुर शाह जफर के समय। तो जो मंगल पांडे स्टार्ट करते हैं, अगर आपको याद हो बच्चों, तो मंगल पांडे जिस विद्रोह को स्टार्ट करते हैं बैरकपुर बंगाल में, वही विद्रोह की मैं बात कर रही हूं कि इंडिया ने पहली बार सर उठाया, 1857 का विद्रोह हुआ। बहादुर शाह जफर बच्चों दिल्ली से उस विद्रोह को हेड करते हैं, रिवोल्ट को हेड करते हैं बहादुर शाह जफर दिल्ली से, क्योंकि रिवोल्ट यूपी में फैलता है, यूपी से फिर दिल्ली पहुंच जाता है, क्योंकि जो विद्रोह करने वाले विद्रोही थे वो दिल्ली आ जाते हैं। तो बहादुर शाह जफर दिल्ली से 1857 के विद्रोह को हेड करते हैं, अंग्रेज इन्हें देशद्रोही घोषित कर देते हैं, इन्हें कंसिडर कर लिया जाता है कि ये तो एक रेबल है और इन्हें देश निकाला दिया जाता है। देश निकाला दे के बच्चों इन्हें रंगून भेज देते हैं, देश निकाला दे के इन्हें रंगून भेज देते हैं, और रंगून में ही 1862 में ये मर जाते हैं। 1862 में रंगून में ये मर जाते हैं। तो बच्चों 1862 वहां पर जिंदा रहने का टाइम लिखा है, वहां पर जिंदा रहने का टाइम लिखा है कि कब से कब तक जिंदा रहे। तो 1837 से 57 तक यहां थे, इंडिया में थे, राज किया, 62 में रंगून में मर गए। रिवाइज करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गई वो थी बच्चों, एक क्वेश्चन था एग्जाम में कि मुगल आर्किटेक्चर इज एन अमैलगम ऑफ, किसका मिक्सचर है, मतलब किस तरह का आर्ट है मुगल आर्किटेक्चर में। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, मुगल आर्किटेक्चर में इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक, इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक तीनों का अमैलगम मिक्सचर पाया जाता है। मुगल आर्किटेक्चर किस तरह में बना हुआ है, किस फॉर्म में बना हुआ है, तो इंडियन, इस्लामिक और पर्शियन। पर्शियन वर्ड याद रखिएगा, ज्यादातर एग्जाम में अरबी लिखा हुआ आ जाता है कि अरबिक दे देते हैं या कुछ भी और डाल देते हैं ऑप्शन में, डिफिकल्ट होता है, प्लीज याद रखिए इंडियन, इस्लामिक और पर्शियन तीनों का अमैलगम, तीनों का मिक्सचर दिखाई देता है मुगल आर्किटेक्चर के अंदर। एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से, शाहजहां का पुराना नाम खुर्रम, वाइफ का नाम अर्जुमन बानु बेगम, शादी के बाद टाइटल दिया मुमताज महल, दोनों को ताजमहल में दफनाया, ताजमहल जो बनवाया था शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज की मेमोरी में। उसके बाद बच्चों शाहजहां का पीरियड गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है, मोती मस्जिद एट आगरा, जामा मस्जिद एट दिल्ली, लाल किला दिल्ली वाला, जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है ये भी याद रखिएगा, और लाहौर का किला शाहजहां ने बनवाया था।
57 में जब शाहजहां बहुत बीमार होते हैं तो बेटे लड़ना शुरू कर देते हैं। डिसाइड करने वाली बैटल थी सामूगढ़ की लड़ाई, दारा शिको से लड़ा औरंगजेब और औरंगजेब जीत गया, अपने आप को एम्परर घोषित करता है। फिर मैंने आपको बताया आलमगीर वर्ड औरंगजेब से ही जुड़ता है, आलमगीर का टाइटल लेने वाले औरंगजेब। उसके बाद बच्चों अहोम पर अटैक किया, अहोम जीता, बीजापुर जीता, गोलकुंडा जीता, शिवाजी और शंभाजी को हराया। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी 9th सिख गुरु, उन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट करा दिया था। हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की। और रबिया दुरानी रबिया बीबी का मकबरा बनवाया। मरने के बाद औरंगजेब को कुलदाबाद दौलताबाद में दफना दिया। मरने के बाद औरंगजेब को कुलदाबाद दौलताबाद में दफना दिया जाता है। लास्ट हमने पढ़े बहादुर शाह सेकंड 1857 के रिवोल्ट में, पहली म्यूटिनी इन्हीं के समय हुई थी। जफर नाम से कविताएं लिखते थे, म्यूटिनी में हेड करने की वजह से, पार्टिसिपेट करने की वजह से इन्हें देश निकाला दिया अंग्रेजों ने, रंगून भेज दिया। बच्चों रंगून में 1862 में मर गए। नेक्स्ट वीडियोस में और चीजें आपको बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी बच्चों, अभी रैप अप कर रही हूं। प्लीज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है बच्चों प्लीज शेयर करिए, दैट वे यू विल बी यू नो अप्रिशिएटिंग आवर वर्क। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।